स्कूली छात्रों को लेकर भी एक अपडेट हम लाए हैं। दरअसल एक व्यवस्था परिवर्तन स्कूली छात्रों के लिए अब किया जाएगा। एग्जाम्स के बाद भी इन्हें स्कूल आना होगा। क्यों और किस तरह का परिवर्तन ये है, जानकारी ये भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि शीतलहर की चपेट में हिमाचल प्रदेश आ गया है। देखिए, एक तरह से सर्दियों की ये पहली बारिश मानी जा रही है। अधिकांश क्षेत्रों में सुबह के 7 बजे से दिन के 1 बजे तक बारिश का सिलसिला जारी रहा। साथ ही साथ बर्फबारी को लेकर भी अभी संभावना जारी की गई है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ही। हालांकि अगर जिला चंबा की बात करें तो यहाँ जोत और मनीमहेश में ताज़ा हिमपात भी दर्ज किया गया है। इसके अलावा लाहौल स्पीति में भी ताज़ी बर्फबारी हुई है और किन्नौर की ऊंची चोटियों में भी हल्के बर्फ के फाहे गिरे हैं। तो अब एक तरह से दौर शुरू हो गया है बर्फबारी का। अभी 1 दिसंबर तक मौसम खराब रहेगा, तब तक बारिश और बर्फबारी दोनों को लेकर एडवाइजरी जारी हुई है। वन मित्र भर्ती पर रोक लगाई जाए, ये मांग भी यहां पर उठाई गई है भीम आर्मी की ओर से। दरअसल इनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि एससी एसटी और ओबीसी को इस भर्ती में मौका नहीं दिया गया है, यानी कि प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। इनके संवैधानिक अधिकारों से इन्हें वंचित रखा जा रहा है। अगर तुरंत प्रभाव से वन मित्र भर्ती पर रोक नहीं लगाई गई तो ये सड़कों पर उतरेंगे। अभी देखिए ये प्रोसेस, क्योंकि भर्ती का शुरू हो गया है और शुरुआत से ही हमें गतिरोध इस भर्ती में देखने के लिए मिला है। पहले यंगस्टर्स की ओर से ये डिमांड रखी गई कि इसमें एज 25 से बढ़ाकर 30 की जाए और इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अप्रोचिंग सिस्टम फिर शुरू हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं मानी गई, उसके बाद अभी भर्ती प्रोसेस शुरू हो गया है। तो अब यहाँ पर भीम आर्मी के कुछ लोग आ गए हैं जिनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि इसमें एससी एसटी और ओबीसी को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, जबकि इसके अलावा जो अन्य श्रेणियाँ हैं जिसमें की ईडब्ल्यू भी आती है और बीपीएल श्रेणी भी आती है या आईआरडीपी भी आती है, तो इन्हें प्राथमिकता के आधार पर भर्ती में शामिल किया जाए। ये बात मुख्यमंत्री ने कही, सरकार ने इन्हें जरूर मौका दिया है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी है इन्हें इनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। लगभग 2000 के करीब पदों पर क्योंकि भर्ती होनी है, और देखिए एक तरह से ये डिवीजन आधार पर भर्ती हो रही है। तो आवेदन भी इसके लिए मांग लिए गए हैं, प्रोसेस शुरू हो चुका है। और इससे पहले क्योंकि पूरी अपडेट हमने आपको दी थी कि क्राइटेरिया इसमें क्या रहने वाला है, इंटरव्यू के लिए भी 10 मार्क्स कंडक्ट इसमें किए जाएंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि गतिरोध कहीं ना कहीं इस भर्ती में खत्म नहीं हो रहा है और अब इस पर रोक लगाई जाए, ये मांग यहाँ पर उठाई गई है। अगली जानकारी हम शिक्षकों से जुड़ी लेकर आए हैं। दरअसल ये राजकीय टीजीटी संघ है, इनकी ओर से ये मांग रखी गई है कि जो बार बार इनसे एसीआर रिपोर्ट मांगी जा रही है वो उचित नहीं है, क्योंकि इनके पास एसीआर रिपोर्ट की फोटोकॉपी नहीं होती है। प्रमोशन या कन्फर्मेशन के मामले में इनसे एसीआर रिपोर्ट मांग ली जाती है, लेकिन हवाला ये दे रहे हैं कि देखिए जब शैक्षणिक सत्र खत्म होता है तो उसके बाद ये एसीआर रिपोर्ट भरते हैं, फिर उसे प्रिंसिपल के माध्यम से उपनिदेशक तक पहुंचाते हैं, क्योंकि उपनिदेशक के हस्ताक्षर उसमें होने होते हैं। बीच में ही इस प्रोसेस में डीडीओ शक्तिधारक मुखिया की भी इसमें टिप्पणी दी जाती है। ये एक तरह से रिपोर्ट रहती है और कैसी परफॉर्मेंस इन शिक्षकों की रही है इस पर ये टिप्पणी दी जाती है। इस वजह से दोबारा से इन्हें ये एसीआर रिपोर्ट फिर नहीं मिलती है और सीधे तौर पर आगे निदेशालय में भिजवा दी जाती है। तो यही मांग अब इनकी ओर से रखी जा रही है कि जब फोटोकॉपी नहीं है तो बार बार प्रमोशन के वक्त या किसी भी कन्फर्मेशन के वक्त इनसे एसीआर रिपोर्ट क्यों मांगी जा रही है। ये प्रोसेस एक तरह से बंद होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के आदेश दे दिए जाते हैं लेकिन वो आदेश ये पूरे नहीं कर सकते हैं, और ये बात यहाँ विभाग को भी समझनी चाहिए। तो एक तरह से इन्होंने मांग भी रखी है और सजेशन भी देना चाहा है कि एसीआर रिपोर्ट इनसे ना ली जाए। लैंग्वेज टीचर्स की नियुक्तियां देखिए शुरू हो गई हैं, बैचवाइज आधार पर ये जानकारी हम दे रहे हैं। हालांकि इंतज़ार अभी जेबीटीज़ और टीजीटीज़ में बना हुआ है, क्योंकि कोर्ट में ये मामले चल रहे हैं अलग अलग रीज़न से, जिस वजह से यहाँ बैचवाइज आधार पे तो दोनों ही वर्गों में एक तरह से काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन नियुक्तियाँ नहीं दी जा सकती क्योंकि उसमें कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। लेकिन ये लैंग्वेज टीचर की नियुक्तियां जब शुरू हुई है तो एक राहत भरी खबर इन अभ्यर्थियों के लिए जरूर कहना चाहेंगे, और इसकी शुरुआत जिला चंबा से हुई है। दूसरी ओर अगर जेबीटी के कुल पदों की बात करें तो 1161 पदों पर काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है और टीजीटी की भी 898 पदों पर काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन नियुक्तियां इसमें नहीं दी जा सकती क्योंकि उसके लिए कोर्ट की परमिशन विभाग को लेनी होगी। तो एक ये नई अड़चन हम इन अभ्यर्थियों के लिए कहना चाहेंगे। और शास्त्री भर्ती की बात करें तो 194 पदों पर ये जरूर भर्ती होनी थी लेकिन रुक गई है, क्योंकि कुछ शास्त्री अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया कि बीएड को इसमें पात्र ना माना जाए, क्योंकि एनसीटीई की अधिसूचना में बीएड को भी पात्र मानने की बात कही गई है। अब इन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है बीएड को बाहर करने के लिए। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री रोज ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो एनसीटीई की गाइडलाइंस है उसी पर अमल किया जाएगा। तो ये 3 से 4 ऐसी भर्तियां हैं जो कि कोर्ट की वजह से एक तरह से लटक गई हैं, क्योंकि कोर्ट ये मामले पहुंचे हुए हैं। और इस बीच काफ़ी दिनों से एक राहत भरी खबर केवल लैंग्वेज टीचर्स के लिए निकलकर सामने आई है, जहां पर नियुक्तियां देने का सिलसिला शुरू हुआ है जिला चंबा से।
देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार पर भी हलचल अब काफी तेज हो गई है और इसका कारण यह है कि अभी 1 दिसंबर को तो कैबिनेट की बैठक है, लेकिन इसके बाद 2 दिसंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुला ली गई है जो कि सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में ठीक 3 बजे होगी। हालांकि अभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है, इसलिए समझा जा रहा है कि इसमें भी मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है। लेकिन दूसरा मकसद ये कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाने का ये भी हो सकता है, अभी शीतकालीन सत्र है 19 से 23 दिसंबर तक, तो किस तरह से विपक्ष को निरुत्तर करना है, सवालों के जवाब देने हैं, इस बारे में भी रणनीति यहां पर कांग्रेस के विधायकों की ओर से तैयार की जाएगी। और देखिए, इसके बाद क्योंकि सीएम सुक्खू के दिल्ली जाने का दौरा भी तय हुआ है 2 दिन के लिए, वहाँ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब चीज़ें फाइनल हो सकती हैं, क्योंकि लगातार संकेत दिए जा रहे हैं सीएम की ओर से भी अब यहाँ मंत्रिमंडल विस्तार पर। एग्जाम के बाद भी स्कूली छात्रों को स्कूल जाना होगा, आखिरकार क्यों एक ये नया व्यवस्था परिवर्तन हुआ है? हालांकि ये पहले शिक्षा सचिव की ओर से आदेश जारी हुए शिक्षा विभाग के निदेशक को, और फिर निदेशक ने आगे स्कूल स्तर पर भी ये निर्देश जारी कर दिए हैं, उपनिदेशकों को भी आदेश जारी हो चुके हैं। 2 बड़े परिवर्तन किए जा रहे हैं, एक तरह से जो एकेडमिक एक्टिविटी है उसमें बदलाव किया गया है और नए सिरे से इसे तय किया गया है। देख, पहली प्रक्रिया तो ये है कि जो SA2 मूल्यांकन होगा उसके बाद ये पहली प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके अनुसार जो विंटर क्लोजिंग स्कूल हैं वहाँ पर छात्रों को परीक्षा देने के बाद 31 दिसंबर तक आना होगा, और समर क्लोजिंग स्कूल में 31 मार्च तक स्कूल इन छात्रों को आना होगा, यानी कि परीक्षाएं हो जाएंगी और फिर भी इन्हें स्कूलों में पहुंचना होगा। कारण इसका यह है कि पाठ्यक्रम गतिविधियों में इन्हें व्यस्त रखा जाएगा 15 से 20 दिन के लिए। तो एक तो ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और दूसरी प्रक्रिया ये है कि जब नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा तो शैक्षणिक सत्र के शुरुआती 15 दिनों में हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषय को ही पढ़ाया जाएगा। 15 दिनों तक ये 3 विषय 2-2 घंटे के क्लासेस यहाँ पर शिक्षकों को लेनी होगी, और इसका कारण ये है ताकि हिंदी, अंग्रेजी और गणित में पूरे बेसिक्स यहाँ छात्रों के क्लियर हो सके, इसके लिए ये कदम उठाया जा रहा है। हालांकि एक डिसीजन और है, ये पहले भी ले लिया गया था, हर 30 दिन बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग बुलानी होगी और उसमें पेरेंट्स को जो छात्रों की उपलब्धियां रहेंगी उस बारे में जानकारी दी जाएगी, और कहाँ बच्चा वीक रह रहा है, कौन से विषय में उसे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, ये पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में भी चर्चा होना ज़रूरी है। यानी कि हर महीने में एक PTM यहाँ ज़रूरी करवानी होगी राज्य के सरकारी स्कूलों में। तो ये 3 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, लेकिन दोनों अगर हम आज के 2 डिसीजंस को लेकर बात करें तो एक बड़ा परिवर्तन है स्कूली छात्रों के लिए। एग्ज़ाम के बाद भी क्योंकि इन्हें स्कूल आना होगा, और फिर चाहे वो विंटर क्लोजिंग स्कूल की बात हो या समर क्लोजिंग स्कूल की बात हो, और पाठ्यक्रम गतिविधियों में व्यस्त रखने के लिए विशेष तौर से इन्हें एग्ज़ाम्स के बाद स्कूल बुलाया जा रहा है, और छात्र के लिए ये काफ़ी कंपलसरी रहने वाला है। और दूसरी बड़ी बात, जैसा कि हम बता ही चुके हैं कि शुरुआती 15 दिन जो नए शैक्षणिक सत्र के होंगे उसमें 3 विषयों पर फोकस किया जाएगा, जिसमें गणित है, अंग्रेजी विषय है और हिंदी विषय है। इसमें सभी स्किल्स इम्प्रूव हो सके, बेसिक्स क्लियर हो सके छात्रों को, ये प्रयास किया जाएगा, इसलिए 2-2 घंटे की क्लासेस लेने के लिए भी अब यहाँ शिक्षकों को कह दिया गया है। देखिए, जल शक्ति विभाग में पैरा वर्कर भर्ती शुरू हो गई है, क्योंकि पिछली कैबिनेट में ही स्वीकृति प्रदान की गई थी लगभग 4,500 के करीब पदों को भरने के लिए। इसमें मल्टीटास्क वर्कर के 2,500 के करीब पद भरे जाएंगे, पैरा पंप ऑपरेटर और फिटर हेल्पर के भी पद भरे जाने हैं। तो भर्ती प्रोसेस शुरू हो गया है, यही अपडेट है। सर्कुलर आधार पर, क्योंकि इसमें रिपोर्ट मांगी गई थी कि सर्कुलर जो यहाँ सर्कल कार्यालय है वहाँ पर कितने पद खाली चल रहे हैं, और खाली चल रहे पदों के हिसाब से ही भर्ती होने वाली है, जल्दी ही इन पदों को विज्ञापित कर दिया जाएगा। अब पेपर लीक मामले पर आना चाहेंगे। राहत भरी खबर ये है कि अब कुछ और पोस्ट कोर्स पर यहाँ जांच पूरी हो गई है, जो उपकरण और दस्तावेज पहुँचाए गए थे फॉरेंसिक लैब में, उनकी पूरी जांच कर विजिलेंस को रिपोर्ट सौंप दी गई है। हालांकि काफ़ी समय इसमें लग गया है, लेकिन इससे पहले देखिए अपडेट हमने आपको ये दी थी कि कुल ये 38 पोस्ट कोड है, जिसमें से 22 की जांच पूरी हो गई थी और इसकी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी गई थी विजिलेंस को। लेकिन क्या आप जानते हैं, अब JOIIT के जितने भी पोस्ट कोड्स हैं उन सब पर भी जाँच पूरी हो गई है, उनके जितने भी दस्तावेज या उपकरण हैं सब पर जाँच पूरी करने के बाद स्टेट फॉरेंसिक लैब की ओर से विजिलेंस को रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। राहत भरी खबर। और दूसरी बड़ी बात यह है कि JOIIT पोस्ट कोड्स के अलावा जो पोस्ट कोड 980 है ड्राइंग मास्टर का, इस पर भी जांच पूरी हो चुकी है और ये रिपोर्ट भी सबमिट कर दी गई है विजिलेंस को, क्योंकि इस बारे में बार बार हमारे पास क्वेरी आ रही थी कि 980 की रिपोर्ट दी गई है या नहीं दी गई है। तो 980 की रिपोर्ट भी देखिए सबमिट हो चुकी है। अब कुछ एक चुनिंदा पोस्ट कोड्स यहाँ रह गए हैं, उस पर भी जल्दी ही जांच पूरी कर ली जाएगी। हालांकि बड़ी बात यह है कि जो देखिए मंडी में फॉरेंसिक लैब है, उस फॉरेंसिक लैब की ओर से भी अपना काम पूरा कर लिया गया है, जो दस्तावेज और उपकरण मंडी लैब को दिए गए थे उस पर जांच पूरी कर रिपोर्ट कुछ दिन पहले ही सबमिट कर दी गई थी। और धर्मशाला में भी
जो प्रयोगशाला है वहां से भी दस्तावेजों की और उपकरणों की जांच पूरी कर ली गई थी। इसमें समय इसलिए लग रहा है क्योंकि आरोपियों से जितने भी मोबाइल फोन या लैपटॉप या डिस्क कार्ड जब्त की गई थी, देखिए उसकी जांच और परीक्षण में काफी ज्यादा समय लग जाता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि यहां वॉइस मैचिंग और ओएमआर शीट्स की भी जांच की जा रही है। लेकिन जैसे जैसे जांच पूरी हो रही है, जिस भी पोस्ट कोड को लेकर उसकी रिपोर्ट तुरंत प्रभाव से विजिलेंस को दी जा रही है। तो ये जेओएआईटी के अभ्यर्थियों के लिए हम राहत भरी खबर लेकर आए हैं। जितने भी पोस्ट कोड्स हैं जेओएआईटी के और जिसमें कि पेपर लीक होने की संभावना जताई गई थी, एफआईआर दर्ज हुई थी, अब उन सभी मामलों को लेकर यहाँ रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है विजिलेंस के पास। विजिलेंस अब अपना काम करेगा और उसके बाद रिजल्ट इन मामलों में जल्दी ही घोषित कर दिया जाएगा। विशेष तौर से अगर जीओएआईटी पोस्ट कोड 817 की हम बात करें, क्योंकि देखिए इस बारे में तो जवाब भी मांगा जा रहा था यहां सरकार की ओर से, ये कार्मिक विभाग ने विधि विभाग को फाइल भेजी थी जिसमें वो ओपिनियन लेना चाह रहे थे कि एक और तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का इसमें डिसीजन आ गया है और दूसरी बड़ी बात एफआईआर भी दर्ज है, तो दोनों मामलों को देखते हुए कैसे इसमें रिजल्ट घोषित कर दिया जा सकता है। तो जल्दी अब ये रास्ता भी निकल आएगा क्योंकि पहले इंतजार यहाँ फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट का ही हो रहा था। और जेओआईटी के सभी पोस्ट कोड्स को लेकर ये राहत भरी खबर है कि रिपोर्ट अब सबमिट कर दी गई है विजिलेंस को सभी उपकरणों की और दस्तावेजों की जांच करने के बाद। कैबिनेट बैठक पर अब आना चाहेंगे अगले कल, क्योंकि सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने जा रही है और कई महत्वपूर्ण एजेंडाज इसमें लगे हैं अभी, क्योंकि शीतकालीन सत्र भी है, उससे पहले ये वैसे भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। और देखिए सबसे पहले बात हम इसमें पुलिस भर्ती को लेकर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ 25% से आरक्षण बढ़ाकर 30% महिलाओं के लिए किया जाएगा और ये फैसला लागू हो सके इसलिए कल एजेंडा के तौर पर ये आइटम भी कैबिनेट में जाने वाली है। पीटीए टीचर्स और टीजीटी पदनाम के मामलों पर भी चर्चा संभव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासनिक फेरबदल पर भी बड़ा फैसला होने वाला है, क्योंकि कई ऐसे जिला उपायुक्त हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, इसलिए भी अब यहां फेरबदल होगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव भी है, तो लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए भी अब सरकार को यह फैसला लेना है। आज अधिकारी पूरी तरह से एजेंडाज बनाने में सचिवालय में जुटे हुए थे और पिछले एक सप्ताह से हम देख रहे हैं कि प्रशासनिक फेरबदल को लेकर चर्चा हो रही है मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय और कार्मिक विभाग के बीच। तो अब ये डिसीजन अगले कल लिया जा सकता है, पूरी संभावना है कल शाम तक भी ऑर्डर्स हो सकते हैं, और अगर कल शाम को नहीं हुए तो कैबिनेट के अगले दिन ये प्रशासनिक फेरबदल होगा, ये बात तय है। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ।